हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन गार्डनिंग और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुबह नहीं 10:30 बज रहा है और हमको साफ़ सफाई करते करते जो है सो 10:30 बज गया और अभी जो है सो बहुत सारा धूल बैठा रहता है। तो इस सब को हम जो है सो पानी का फव्वारा दिए हैं और पानी का फव्वारा दे के सब जितना भी पत्ता था उस बहुत ग्रीन ग्रीन हो गया है और बहुत अच्छा इसका देखने में हरियाली लगता है। तो सभी जो पौधा है सबको हम जो है सो पानी से साबर किए हैं पूरा एकदम अच्छा से। और देख सकते हैं फूलों से लेके और सब्जियों तक का जो पौध है सबको हम जो है सो पूरा नहलाए हैं और हटा हटा के सबको नहलाए हैं पूरी तरह से। जितना भी शेड एरिया का भी जो प्लांट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब भी सबको हम पूरा धूल भर गया था तो सबको हम साबुन से नहला दिए हैं पाइप के थ्रू जो है इस सबको। तो बहुत सुंदर अब पूरा हरियाली देखने में लगता है। तो बीच बीच में हमको ये काम करना ही पड़ता है क्योंकि पूरा धूल बैठ जाता है और अभी जो ठंड है तो इसके चलते और भी हो जाता है। तो हम जो है ये काम सब किए हैं और जो है सो फर्श का भी जो है थोड़ा सा साफ कर दिए हैं। तो इस समय टाइम लगता है और मन भी लगता है। तो दोस्तों ये देखिए मेरा गुलदाउदी खिल रहा है, कितना एकदम अच्छा, देखिए बहुत अच्छा से खिल रहा है। बहुत सारा बर्ड बन, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया है दोस्तों। और ये जितना भी देख रहे हैं अमरूद का पौध सब है, सब में जो है सो सब पर पानी हम का फुहारा मारे हैं और बहुत धूल जम जाता है दोस्तों। तो ये मेरा स्ट्रॉबेरी है जो कि हम इस कंटेनर में लगा दिए हैं। तो इस साइड है जो कि देखिए ये जो नींबू का पौधा है, तो जब ये फल भर जाता है नींबू में रस तो ये एकदम पूरा लटक जाता है। देखिए ये कितना सुंदर इसका फ्लावरिंग है, छोटा पौधा है लेकिन ये हमको सालों भर जो है सो नींबू देते रहता है। बहुत अच्छा नींबू है, ये चाइनीज नींबू है। और देखिए ये कौन कहता है कि ठंडा में जो है सो नहीं होता है। देखिए इसकी ग्रोथ कितना अच्छा है, इसको आप फर्टिलाइजर देते रहिए हर 15-1 महीना में और ये जो है सो आपको पुदीना का पत्ता सालों भर देता रहेगा। तो दोस्तों कितना ये सुंदर ये पूरा लग रहा है, एकदम हरियाली हरियाली। और जो कि पानी जो का फुहारा दिए हैं इसके चलते और भी बहुत अच्छा शाइनिंग दे रहा है। तो ये मेरा पालक का साग आप देख रहे हैं, इसमें भी है। ये सब पर हम जो है इकोलियस का पौधे में तो और भी लगता है कि थोड़ा सा भी धूल अगर बैठ जाता है लगता है कितना सारा गंदा हो गया। तो इसको भी बीच बीच में मारते रहते हैं। ये मेरा देखिए ये कितना सदाबहार फूल है, जो मतलब कि सालों भर खिलता है तो इसको हम सदाबहार कहते हैं लेकिन है नहीं सदाबहार। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा? और ये देखिए कितना सुंदर ये खिला है आपका, देखिए कितना इसका बीज भी इसी में बनता है। और ये मखमली पौधा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ये बहुत सारा निकल जाता है खुद से अपने पौधे ये में। तो मेरा गार्डन भी अस्त व्यस्त आप लोग देख रहे हैं क्योंकि मैं इधर जो है से थोड़ा सा इसको सेटअप तैयार कर रही हूँ थोड़ा सा अच्छा ढंग से। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे जो है इसको हम स्टैंड लगाए हैं और ये स्टैंड जो है सो इसी पर एक रो इस तरह लगाए हैं, एक रो इस तरह लगाए हैं, जो कि ये आप चारों तरफ से आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है पिलर के सामने सामने जो हम दिए हैं इसका, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।